उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह नगर स्थित राथू क्षेत्र के ख्वाज किमई गांव के ग्रामीणों ने भाजपा सरकार के सांसद विधायक सहित किसी भी प्रतिनिधि के गांव में आने पर पाबंदी लगा दी है। ग्रामीणों ने बकायदा पोस्टर लगाकर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने सांसद विधायक और जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास का कोई भी कार्य नहीं कराए जाने से नाराज है और काम नहीं वोट नहीं का पोस्टर गाँव में लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का विकास करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया, जिससे गांव बदहाल है और विकास से अछूता है। वहीं इस मामले पर सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने कहा कि यह राजनीतिक पोस्टर है और विरोधियों द्वारा कराया जा रहा है, यह विरोधियों की चाल है। पेश है कौसाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। देखें, सरकार के जितने भी विकास कार्य सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं वो किसी की छुपा नहीं है, ना केवल एक गांव के लिए है, पूरी विधानसभा और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सरकार एकदम पूर्ण रूप से तत्पर है। और गांव ग्राम सारे काम कराए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जनधन योजना के अंतर्गत हो, चाहे पेंशन की योजना के अंतर्गत हो, जो भी काम सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं वो सीधे जो है गांव में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति ये कराए जा रहे हैं। तो फर्क नहीं पड़ेगा, पोस्टर में फर्क नहीं पड़ेगा। पोस्टर बैनर अगर लगाया गया है, किस कारण लगाया गया है, शायद भी विपक्ष भी हमारा हर जगह तमाम तरीके के अपवाद कर रहा है, शायद विपक्ष द्वारा कोई पोस्टर लगाया गया है। हमारी पार्टी से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि पार्टी में कोई ऐसी बात है, विपक्ष द्वारा हो सकता है पोस्टर लगाया देंगे। किस वजह से लगाई, क्या वजह है? इसका वजह यह है कि गाँव में कोई सुविधा नहीं है। सुविधा ऐसा नहीं है कि जैसे बिजली का कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ सड़कों का कोई सुविधा नहीं है, रास्ते अच्छे नहीं हैं गांव के, रास्ते क्यों गड़बड़ गांव के। तो आप भाजपा के लिए क्यों वोट नहीं देंगे, क्या वजह थी? इतने दिन से जिताए हैं मगर कोई काम नहीं हुआ है, विकास हुआ है हमारे यहाँ। नाम क्या तुम्हारा? हम लगातार जो है 2012 से भाजपा को वोट देते चले आ रहे हैं और भाजपा को लगातार इस बूथ से जिताए भी, और इस बूथ का असर आसपास के दर्जनों गांव में रहता है। उसके बावजूद भी 12, 14, 17 में हमने भारी मतों से भाजपा को जिताया है, लेकिन अब जब काम की बात आती है तो हमने उनके पास कई बार गए कि हमारे गांव में समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की व्यवस्था है, पानी पीने की समस्या है, इसका कुछ निदान किया जाए। भाई लगातार आपके पक्ष में हम वोट दे रहे हैं, आपको जिता रहे हैं, लेकिन अब जब उनके पास जाया जाता है, कार्यालयों को उनका चक्कर काटा जाता है, लेकिन कभी इस चीज़ पर वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं जा रहा कि भाई लोग भी हमको कभी वोट देते हैं।